तो 15 अगस्त के मौके पे रिलीज होने वाली मूवी खेल खेल में जिसका फाइनली सेकंड सॉन्ग भी आ चुका है दोस्तों, जिसका नाम है डू यू नो। जी हाँ दोस्तों, ये जो सॉन्ग है ये एक तरीके का रिक्रिएशन वाला सॉन्ग है, क्योंकि पहले भी ओरिजिनल सॉन्ग बन चुका है इसी लिरिक्स पे, जिसे दिलजीत दोसांझ ने ही गाया था और जानी जो है इसके लिरिक्स लिखे थे। दोस्तों ये गाना भी वही है, उन्होंने ही गाया है जिन्होंने पहले गाया था, दिलजीत ने और जानी ने इसके जो लिरिक्स लिखे, लेकिन इसमें थोड़ी सी जो म्यूजिक है उसको बदल दिया है, थोड़े बहुत जो बोल है यानी लिरिक्स है उसे भी चेंज कर दिया गया। तो दोस्तों ओवरऑल गाना तो एक अच्छा पार्टी टाइप सॉन्ग है, जो फर्स्ट टाइम इस गाने को सुनेंगे उन्हें तो पता ही नहीं लगेगा कि पुराना भी कोई सॉन्ग था, उनके लिए सॉन्ग एकदम फ्रेश सॉन्ग लगेगा। और दोस्तों इसी के साथ सबसे मेन बात कि इसमें जो परफॉर्मेंस दिखाई गई है सभी कलाकार की, उसमें से सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस रही हमारे अक्षय कुमार की। जी हाँ दोस्तों, अक्षय कुमार पुराने वाले फॉर्म में आ चुके हैं, जैसे 2019 में उनकी फिल्म आई थी वेलकम वगैरह, हमको दीवाना कर गए, जिस तरीके से अंदाज में वो गाने में डांस करते हैं, एक्सप्रेशन देते हैं, उसी तरीके से इस गाने में भी उनकी एनर्जी नजर आ रही है। और बहुत ही अच्छी तरीके से गाने को कोरियोग्राफ भी किया गया है, वो पार्टी टाइप सॉन्ग है, पूरा कलरफुल है और देखने में तो हमको मज़ा आता है, लेकिन सुनने में भी इसके बीट्स और म्यूजिक्स काफ़ी अच्छे हैं। तो ओवरऑल दिलजीत बहुत ही अच्छे सिंगर भी है एक्टर के साथ साथ, और जानी तो बहुत ही अच्छे लिरिक्स राइटर है, आपने देखा होगा वो फिलहाल सॉन्ग अक्षय कुमार सर के, वो भी इन्होंने ही लिखे थे। तो दोस्तों ओवरऑल गाना अच्छा है, इसमें फरदीन खान कुछ अलग तरीके से डांस कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि उन्होंने प्रैक्टिस नहीं की थी डांस के टाइम। बाकी वाणी कपूर तो गॉर्जियस लग रही है, और तापसी पन्नू भी बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्मेंस कर रही है, और जो दो कलाकार है एक एमी वर्क और दूसरा जो नया नया एक्टर है, मतलब उसने भी बहुत सी मूवी में काम किया है, लेकिन वो भी मतलब इनके बीच शायद वो यंगेस्ट है, उन्होंने और वो लड़की जो एक हीरोइन है उन्होंने भी बहुत अच्छी तरीके से गाने में अपना अपना परफॉर्मेंस दिया है। तो ओवरऑल गाना बहुत ही अच्छा है और पार्टी सॉन्ग है और बजेगा भी, इस पे भी रील्स बनेगी दोस्तों फिर से, क्योंकि रिक्रिएटेड सॉन्ग है। वैसे भी ये सॉन्ग ऑलरेडी चार्ट बस्टर सॉन्ग रहा है अपने टाइम में, लोगों ने बहुत सुना इस गाने को और बहुत पसंद भी किया है, मिलियंस ऑफ व्यूज गए हैं इस गाने में, और इस गाने को वापस यूज करना मतलब एक अच्छी स्ट्रेटेजी है मूवी के लिए भी। और मूवी आ रही है 15 अगस्त को, आपको पता है स्त्री टू और वेदा से क्लैश करेगी ये मूवी, फिर भी इस मूवी का बज अच्छा खासा बना हुआ है। ट्रेलर का रिव्यू हमने किया था, ट्रेलर आपने भी देखा होगा कि ट्रेलर कितना दमदार ट्रेलर है। हो सकता है ये मूवी अक्षय कुमार सर के लिए बहुत ही लकी साबित हो, जो पिछली मूवी के मुकाबले इस मूवी का प्रदर्शन काफी अच्छा रहे, क्योंकि अक्षय कुमार सर भले नहीं चल रहे लेकिन सबसे ज्यादा सोशल मीडिया में उन्हीं के बारे में आपको देखने को मिलेगा, मतलब इतना नाम है कि नाम जब खराब हो रहा है तो भी नाम इतना चल रहा है, सब उन्हीं की बातें कर रहे हैं। तो इसी के साथ दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिसका नाम है HF मीडिया, और मेरा नाम अभिषेक, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।